क्या पता यार जी भाई कैसा लगा? थोड़ा सा नहीं आ? नहीं कुछ भी साफ नहीं हुआ नहीं। है अरे भाई जाते खेल लेकर अरे वाह भाई गाने पे धुन पे। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। भाई आज सवेरे बिट्टू का दर्शन हो गया। रात में कल प्लान बनाया क्योंकि हम लोग अभी निकलने वाले हैं बिलासपुर। तो सवेरे बिट्टू आ गया है, 9 बजे ट्रेन बैठा, 10 बजे आया, 11 बजे घर पहुंचे, चिकन वगैरह लेके आए, चिकन बन रहा है। तब तक से फिर ध्यान में आया भाई होली था, हम दोनों होली नहीं खेले, मामा भांजे कभी नहीं खेले हैं यार। नहीं खेले तो हैं, पिछले साल खेले थे होली, इस बार भी होली खेलने का और प्लान बन गया। तो बोला भाई थोड़ा सा कलर बचा ही है, थोड़ा कलर और मंगा लेते हैं फिर खेल लेते हैं यार होली। तो अभी बिट्टू को थोड़ा लगाते हैं रंग और करते हैं थोड़ा हम दो ही मस्ती। तो कृष्णा नहीं खेलेगा होली, बस वो कैमरा पकड़ के वीडियो बनाएगा हम लोग का। हमारा कलर आ रहा है अरे भाई ये तो पानी वाला लेके आ गया है। बचेगा थोड़ा भी नहीं, पूरा यूज कर। हम लोग खेलेंगे ही, हम लोग एक गुलाल मंगाए हैं, हम लोग जा रहे हैं अंदर, भाई लक्की जा रहे हैं अंदर, ठीक ना? खुला वाला ज्यादा खराब हो गया है। और ये दो टू पक्का कलर है भाई, इससे तो हम लोग खेले नहीं है, हम तीनों नहीं खेले थे ना। नहीं खेले थे, कहाँ खेले? पीछे नहीं खेले थे, नहीं खेले। बिक्कू आया था तो बिक्कू को ना लगाए थे, लेकिन हम लोग नहीं खेले थे इससे। नहीं लकी में तो खेले थे, लकी में खेले थे। खेलने वाले हैं, मजा आएगा। चलो थोड़ा सा हैप्पी होली ब्रो अब आओ। क्या हुआ यार? चलो अब थोड़ा सा प्यार से वाला होली लगाएंगे हम लोग एक दूसरे को। ये प्यार तो नहीं लग रहा है आपका। हैप्पी होली, अब प्यार खत्म है यहाँ पे। इधर मुंह दिखाओ। भागने वाला नहीं खेलेंगे ना हम लोग। और थोड़ा सा और बचा है। गले लग के गले अच्छा गले लग के कैसे लगाएंगे? कहाँ पे लगाऊं गले लग? गर्दन के ये सही लगा है। गले लग के लगा दी होली है। और नहीं भैया बड़ी मम्मी भी बची है मेरे को। नहीं तो अभी सबको कलर लगा रहा है। कहाँ पे लगाया? दिखाओ। मांग नहीं भरना, कलर कर दिया हम गुलाबी। पगला नहीं तो खुश रहो। ये अब थोड़ा पानी वाला कॉफी भाई, एक बार में इतना और वो वाला डिब्बा भी बचा हुआ है भाई। इतना सारा कलर कहाँ है? पानी जो पानी लाए हैं उनके लिए भी थोड़ा सा। ये अरे भाई ये कहाँ जैसे दिख रहे हैं यार। दिखाओ हैप्पी होली। ये क्या पता यार जी भाई कैसा लगा? अरे भाई देखते हैं निकलता है, निकल तो रहा है पूरा, साफ हो गई हुआ हो रहा है। हुआ कुछ साफ नहीं आ? नहीं कुछ भी साफ नहीं हुआ नहीं। अरे भाई जाते खेल लेकर एक भी साफ
भी नहीं निकला यार। नहीं कहां तू बिट्टू? नहीं क्या दे क्या चाह गया क्या जाओगे अब छोड़ो जाओ किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है अभी भाई, रगड़ रगड़ के पूरा फट गया यार चेहरा। इतना पक्का कलर लगा लिए थे हम लोग ना, बता नहीं सकता, इतना पक्का कलर तो मेन होली में नहीं खेले थे हम लोग। सही इतना ज्यादा हम लोग होली उस पे निकले, अभी भी हाथ में कलर बचा ही है पूरा, आगे पीछे इस हाथ में तो और ज्यादा दिख रहा है, ऐसा कुछ हालत है इसका भी, ऐसी हालत है। अभी खाना खाते हैं हम लोग और फिर निकलेंगे बिलासपुर के लिए। और भाई सच बता रहा हूँ, चेहरे का तो एकदम हालत खराब हो गया, इतना मतलब जल रहा है चेहरा मेरा, चेहरा जल रहा है मेरा एकदम ज्यादा। अभी बर्फ वगैरह लगाए उस पर, अब देखते हैं थोड़ा बोरोलिन वगैरह लगाते हैं फिर निकलेंगे आज। ऐसी भाई एकदम चिकना चिकना लगा के निकलेंगे ना पूरा बोरोलिन, कोई तेल तमाशा कुछ नहीं। ठीक है चलते हैं अभी खाना खाते हैं ब्रो। तो भाई निकल गए हैं, अब देखते हैं कितना जल्दी पहुंचते हैं। अभी कितना बज रहा है? 2:46 में निकले हैं हम लोग, अभी अब देखते हैं कितना टाइम। अभी पेट्रोल डालने में 10 मिनट लग गया हम लोग को। और भाई जो चेहरा जल रहा है ना, बोरोलिन लगा के हम लोग रहते हैं दोनों जन, बोरोलिन लाया नहीं है, अब लेते हैं दुकान में फिर लगाएंगे और फिर चलते हैं सीधा, आपको मिलते हैं तो बिलासपुर में। ठीक है खतरनाक यहाँ पे घाट वगैरह है। और सबसे बढ़िया बात बस बस सुना सुन, गाड़ी आ गया भाई, ये ट्रक वाले जो हॉर्न बजाते हैं ना मजा आ जाता है ना, ट्रक वालों का हॉर्न खतरनाक रहता है, अब बजाएगा फिर। एक नंबर बजा रहा है भाई, इसको बोल बोल के बजवा रहे हैं ना हम लोग। अरे वाह गाने की धुन पे धुन निकल रही। पहला स्टॉपेज लिए हैं चाय पीने के लिए और हम लोग लगभग पहुंच ही गए यहाँ से, 20 किलोमीटर और है बिलासपुर भाई। बहुत अच्छे से आए, आराम से आए हैं, कुछ ज्यादा स्पीड नहीं आया है कि हाँ, बस एक ही चीज था हम लोग के साथ, हम लोग नॉन स्टॉप आए हैं, कहीं पर रुके नहीं, घर से बैठे सीधा यहाँ पे आकर रुके हैं। और ये जो चेहरे में मेरे वाइट वाइट दिख रहे हैं भाई, कलर के वजह से पूरा जल गया था चेहरा। और ये भी वही हाल है इसका भी, मैं कुछ ज़्यादा ही लगा लिया हूँ, मेरा काफ़ी टाइम से लगाया ना, मैं बार बार लगा रहा था इसको, इसलिए मेरा रुका पड़ा है अभी तक से। अभी फेस वॉश करते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से चाय वाय पीने के बाद। गाइस रूम पहुँच चुके हैं, जा रहे हैं सीढ़ी में, अभी खाने पीने में थोड़ा टाइम लग गया हम लोग को, खाने पीने लगे थे। और अपना रूम का रास्ता ये, जो हमारे व्लॉग में पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा। और ये है मेरा रूम जो कि ताला बंद है, तो बगल वाले रूम से चाबी लेते हैं ब्रो। तो भाई अच्छा फील आ रहा है, बहुत अच्छा फील आ रहा है यहाँ पे आने के बाद। तो ये अपने लड़के भानु और ये अपना चंद्रकांत ब्रो, बर्तन धोते हुए। कुछ टाइम पहले मैं भी बर्तन धो रहा था लेकिन अब मेरा जीवन चेंज हो चुका है, बर्तन नहीं धो रहा हूँ भाई मैं। तो भाई पुराना दिन आज फिर से याद कर रहे हैं, मैं खा रहा हूँ अंडे का सब्जी और ये गैस में बिट्टू डाल रहा है प्याज। हाँ प्याज डालो फटाक से, डालो डालो आराम से, मतलब बनाया नहीं, थोड़ा डरते हैं आखिर हमको तो भाई एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं भी एक महीना से छोड़ चुका हूँ, तो देखते हैं कैसा बनता है खाना मेरा। अंडा का सब्जी कुछ ऐसा बना है, बहुत दिन के बाद जल्दी जल्दी बनाए क्योंकि कल है थर्सडे, तो हम लोग खाते नहीं है चिकन मटन मछली अंडा कुछ भी नहीं खाते हैं, इसलिए अभी खाते हैं ये सब। लो निकालो, खा लेते हैं फिर करते हैं, नहीं तो मंगा आ रहा हुआ है भाई, हाँ जल्दी निकालो। तो गाइस मैं खाना खाया और खाना खाने के बाद वैसे लेटा था बिस्तर में बगल रूम में, नींद लग गया, सो गए थे दोनों चुपचाप, थके थे भाई उतना टाइम से। अभी अपने रूम में आए हैं, अब जा रहे हैं सोने, आपको मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।